أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बड़ी रहमतों वाला है। उसी के लिए है आसमानों और ज़मीन की बादशाहत, और अल्लाह ही की तरफ तमाम काम और उमूर लौटाए जाते हैं। वो दाखिल करता है रात को दिन में, और दाखिल करता है दिन को रात में, और वो दिलों की बातों का जानने वाला है। ईमान लाओ तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और खर्च करो उस माल में से जो माल उसने तुम्हें, उस माल में से जिस माल में तुमको अल्लाह ताला ने नायब बनाया है। बस जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बड़ा अजर है। और क्या हो गया है कि तुमको कि तुम ईमान नहीं लाते हो अल्लाह पर। दरा हाले के रसूल तुम्हें बुलाता है ताकि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान लाओ, और अल्लाह ने तुमसे इस बात का अहद ले लिया है अगर तुम ईमान वाले हो। वही है अल्लाह जो उतारता है अपने बंदे पर ऐसी आयतें जो बिल्कुल वाजे हैं, ताकि तुम्हें निकाले तारीकियों में से नूर की तरफ। और बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत नरमी करने वाला और मेहरबान है। और क्या हो गया है तुमको कि तुम नहीं खर्च करते अल्लाह के रास्ते में, और अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की मीरास है। तुम में से वो लोग जो फतह से पहले माल खर्च किया और जिहाद किया, वो लोग दर्जे में बढ़े हुए हैं उन लोगों से जिन्होंने बाद में खर्च किया और जिहाद किया। अल्लाह ताला का तमाम लोगों से खूबी का वादा है, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम करते हो उससे पूरी तरह बाखबर है। ये सूरह हदीद की चंद आयतें हैं, तर्जुमा आपने सुना। पहली आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है। ये आयत ऊपर भी गुजर चुकी है, इसी जिसमें अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई थी कि सब बहालिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्ज व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहु मुल्कुस समावाती व अर्ज, कि उसी के लिए आसमानों की और ज़मीन की बादशाहत है। युहयी व युमीत, वही जिलाता है, जिंदगी देता है, और वही मारता है।
इसी तरह इस आयत में यहाँ भी दोबारा अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही के लिए आसमानों और जमीन जमीन की बादशाहत है। ये पूरी कायनात अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह इसका खालिक भी है, अल्लाह इसका मालिक भी है। अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात में पत्ता भी हरकत नहीं करता, अल्लाह ही की बादशाहत है। सबब के दर्जे में अल्लाह ने लोगों को इस्तेमाल किया है, हम जो कुछ करते हैं अल्लाह ने हमको जरिया बनाया, सबब बनाया, करने वाली जात अल्लाह की। यही वजह है कि हम कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना चाहते हैं और अपने तौर पर अमल भी कर लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा हमें हासिल नहीं होता, उसका नतीजा हमारे सामने आता नहीं है। तमाम तर कोशिशें कर लेने के बाद भी आदमी सबब तो इख्तियार कर लिया, लेकिन उस सबब पर मुसब्बब का तरत्तुब जो है अल्लाह के कब्जे कुदरत पे, हमारे इख्तियार में नहीं है, हम खुद अपने इख्तियार में नहीं। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने अपने कब्जे कुदरत में रखी, जैसे जिंदगी और मौत, हम अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते। इज्जत और जिल्लत, हम अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते। अमीरी और गरीबी, हम अपने बारे में फैसला नहीं कर सकते। बीमारी और तंदुरुस्ती, हम इसके बारे में फैसला नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं, बेबस हैं, करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह जब तक चाहता है जिंदगी देता है और जब चाहता है जिंदगी खत्म करके मौत देता है, जब तक चाहता है तंदुरुस्ती देता है और जब चाहता है तंदुरुस्ती वापस लेकर के बीमारी बीमार कर देता है, जब तक चाहता है अल्लाह इज्जत देता है और जब चाहता है इज्जत वापस ले लेता है। इसी तरह जब तक अल्लाह चाहता है, जब तक चाहता है बंदा खैर के काम करता रहता है, और जब अल्लाह का फैसला होता है तो फिर हालात बदल जाते हैं। ये हमारी बेबसी है, अगर हमको इख्तियार होता तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई बीमार नहीं होता, कोई जिल्लत वाला नहीं होता। जाहिर बात है सब अपने बारे में अच्छा फैसला करते हैं। इसलिए फरमाया लहू मुल्कुस समावाती वल अर्ज, उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है। वइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और अल्लाह ही की तरफ तमाम मामलात लौटाए जाते, तमाम मामलात अल्लाह के कब्जे कुदरत में है और तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। कल कयामत के दिन हमारे तमाम आमाल का हिसाब व किताब होगा, अल्लाह की बारगाह में पेशी होगी। अल्लाह की कुदरत को जिक्र किया कि अल्लाह ताला रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। आप देखो कभी रात छोटी होती है दिन लंबा होता है, और कभी दिन लंबा होता है रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है जो उसने इस कायनात में जारी और सारी किया है। कभी ऐसा होता है कि दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, कभी अल्लाह चाहता है तो सर्दी ले आता है, कभी गर्मी ले आता है, कभी बारिश, कभी बहार, कभी खिजां, सारे मौसम अल्लाह के कब्जे कुदरत की। वह आलिम बिज़ाति सुदूर, और हमारे दिलों में जो बातें आती हैं सब अल्लाह जानता है, यानी हम अगर उसके जुबान से इजहार ना भी करें तो हमारे दिल में जो ख्यालात और वसवसे आते हैं अल्लाह उसको भी जानता है। लेकिन इस पर मुआखजा नहीं है, जैसे दिल में दाइया पैदा हुआ गुनाह करने का, तो उस वक्त तक गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक आदमी गुनाह करेगा नहीं। लेकिन ये अल्लाह की शाने करीमी है कि अगर बंदा नेकी का इरादा कर ले और किसी वजह से ना कर सके तो भी अल्लाह उसको इरादे पर अजर सवाब देते।
हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात जिक्र की। तो वो हमारे दिल के ख्यालात और वसवसों को भी जानता है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलि, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, और जो माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है नायक बना करके उसमें से अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। माल हमेशा किसी के पास नहीं रहता, आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माल गादिन व राहिन, माल आने जाने वाली चीज का नाम है। और दुनिया में माशी तौर पर जो माहिरीन है उनका यह कहना है कि जब तक ये माल सर्कुलेशन में रहेगा, गर्दिश करता रहेगा, लोगों के मसाइल हल होते रहे, और जहां इसको रोक लिया गया तो रोक लेने की वजह से मईशत मुतासिर होगी। इसीलिए अल्लाह पाक ने जो दीन हमें अता किया है, इस दीन में एक हुक्म ये भी है कि हम माल को जमा करके ना रखें। माल दो तरह का होता है, एक तो रुपये पैसे की शक्ल में, और एक माल वो होता है जो रुपये पैसे से हट करके होता है, कुछ लोग उसका स्टॉक करते। हुजूर ने मना किया और उसके लिए आकामात है, कुछ हद तक इजाजत दी गई है, और उस हद के बाद माल को रोक कर रखने से मना किया, जिसको जखीरा अंदोजी कहते। तो जब तक ये माल गर्दिश में रहेगा लोगों की जरूरतें पूरी होती रहेंगी, और जब आदमी माल खर्च करने से रुक जाएगा उसकी जरूरत भी पूरी नहीं होगी। जैसे आपके पास पैसा है, आप चाय पीना चाहते हो तो पैसा तो देना पड़ेगा, आप दो या कोई और दे तो ही आप चाय पी सकोगे। ऐसा भी हो सकता है आपने पैसा दिया आपने चाय पी ली, या किसी और ने पैसा दे दिया आपने चाय पी ली, या चाय पिलाने वाले ने अपनी तरफ से पिलाई लेकिन उसका पैसा तो लगा। तो माल किसी के पास हमेशा नहीं रहता। मेरे और आपके पास माल आने से पहले ये माल किसी और के पास था, अल्लाह ने हमें इसमें नायक बनाया, कल किसी और के पास वो पैसा था, आज मेरे पास वो पैसा है, और अल्लाह का हुक्म है कि इसे खर्च करो, जमा करके मत रखो। हदीस पाक में आता है कि आदमी कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हुजूर ने फरमाया इसका माल क्या है पता है? जो इसने खा पी करके खत्म कर दिया वो इसका माल, जो पहन ओढ़ करके बोसीदा कर दिया वो इसका माल, और जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आखिरत में आखिरत के खजाने में जमा कर दिया वो उसका माल, बाकी उसके पास जितना माल है वो सब वारिसिंग का है। आदमी मरता है तो क्या अपना माल लेके जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता कि फिरौनों की तरह कि किसी का फिरौन का इंतकाल हुआ तो उसका पूरा खजाना उसके साथ दफन कर देते। हमारी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं, बल्कि अजीब बात है, जब तक मौत की कैफियत नहीं आती यानी सकरात की कैफियत नहीं होती उससे पहले तक आदमी का माल आदमी का रहता है, वो उसमें जो तसर्रुफ करना चाहे कर सकता है, तंदुरुस्त है, मरने का कोई ऐसा अंदेशा नहीं है तो वो मस्जिद बनवाना चाहे, मदरसा बनवाना चाहे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहे, लोगों में तकसीम करना चाहे, कर सकता है। लेकिन जब उसके ऊपर बीमार हो गया और बीमारी ऐसी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सकरात की कैफियत तारी हो गई, अब उसके पास जो माल है तसर्रुफ के लिए उसको पाबंद कर दिया गया, अब एक तिहाई से ज्यादा में वो वसीयत नहीं कर सकता, सिर्फ एक तिहाई तक वसीयत कर सकता है, बस दो तिहाई वो वारिसिन के लिए रहेगा।
तो आदमी का माल वो है जो उसने खा पी लिया, पहन ओढ़ लिया और अल्लाह के खजाने में जमा कर दिया, बाकी जितना माल है वो दूसरों का है, वारिसीन का है। अल्लाह ने हमें जो माल दिया है ये कल किसी और के पास था, आज अल्लाह ने हमको दे दिया, तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अगर खर्च नहीं करोगे तो कल ये दूसरे के पास जाने वाला है, वो इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो वो अज्र सवाब पा लेगा, तुम महरूम रह जाओगे। और अगर उसने ये आपका छोड़ा हुआ पैसा अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में खर्च किया तो हो सकता है तुमसे भी मुआखजा हो, इसलिए कि माल तो तुमने छोड़ा है ना, इसलिए अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का हुक्म दिया गया। फरमाया कि जो लोग तुम में से ईमान लाए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया उनके लिए बड़ा अजर है, उन्होंने माल का सही इस्तेमाल किया। और फिर ये फरमाया कि क्या हो गया तुमको, तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, हालांकि रसूल तुम्हें अल्लाह पर अपने परवरदिगार पर ईमान के लिए आवाज दे रहा है, बुला रहा है और तुमसे इस पर अहद भी ले लिया गया है अगर तुम मोमिन। ये अहद अहद अलस्त तो कहलाता है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो हजरत आदम की पुश्त से पीठ से कयामत तक जितनी औलाद आने वाली है सबको उनकी पुश्त से निकाला, जर्रों की शक्ल में थे और अल्लाह ने उसको फैला दिया। हदीस पाक में आता है कि फिर अल्लाह पाक ने उनसे पूछा कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं। कालू, तमाम रूहों ने, हजरत आदम की तमाम औलाद ने कहा बला शहीदना, क्यों नहीं, आप ही हमारे परवरदिगार है और हम इस बात की गवाही देते। इसे अहदे अलस्त कहा जाता है। अल्लाह ने ये हमसे अहद दिया, कब दिया, जब हम आलम अरवाह में थे, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त से निकाल करके अल्लाह ने हमसे पूछा था, हमने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया था। यही वजह है कि मुशरिकीन और काफिरीन के बच्चे जो नाबालिगी की हालत में इंतकाल कर जाए वो जन्नत में जाएंगे, क्यों, कि उन्होंने मुकल्लफ होने का जमाना नहीं पाया और आलम अरवाह ने अल्लाह की रुबूबियत का इकरार किया था। इसलिए नाबालिगी की हालत में मुशरिकीन और काफिरीन की जो औलाद इंतकाल कर जाए इस अहद की वजह से जो आलम अरवाह में उन्होंने किया था उसकी बदौलत अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता करे, और मुकल्लफ हो गए तो अब वो इस बात के पाबंद हो गए तो वो ईमान लाए। अल्लाह की वहदानियत रुबूबियत उलूहियत का इकरार करें, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करें और जिन चीज़ों को मानना जरूरी है उन तमाम चीज़ों को माने, और अगर नहीं मानेंगे तो मुशरिकों काफिर होने की वजह से जहन्नम में जाएंगे। मान लेंगे, अल्लाह के अहकाम को पूरा करेंगे, अल्लाह राजी होगा, जन्नत में जगह अता करेगा। और अगर गुनाहों के साथ जिंदगी गुजरी है और अल्लाह ने हिसाब किताब फरमाया और फिर अल्लाह का फैसला हुआ सजा देने का, तो जितना गुनाह किया है उसके बकदर सजा भुगतनी पड़ेगी। जब सजा का जमाना खत्म हो जाएगा फिर अल्लाह पाक ईमान की वजह से जन्नत में पहुंचा देगा। फरमाते हैं कि अल्लाह ही ने अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी आयतें उतारी जो बिल्कुल वाज़ह साफ साफ, क्यों, लियुख्रिजकुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि तुम्हें कुफ्र की तारीकी से निकाल करके ईमान की रोशनी में पहुंचा दे। कुरान करीम अल्लाह की किताब है, 6666 आयतें हैं। अल्लाह ने ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं उतारी, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए ये किताब। इसलिए जिन गैर मुस्लिमों के बारे में हमें इत्मीनान हो कि वो कुरान करीम की बेहुर्मती नहीं करेंगे उनको कुरान करीम उसका तर्जुमा तोहफे में देना चाहिए और उनसे गुजारिश करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप इसको पढ़ो,
ये किताब तुम्हारे लिए भी है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। हम इस बात के मुकल्लफ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर यह बात फरमाई थी, हज्जतुल विदा के मौके पर यह बात फरमाई थी कि तुम्हें का हर शख्स इस बात का जिम्मेदार है कि उसे दीन की एक बात भी मालूम हो तो वो दूसरों तक पहुंचाए। हम सब इस बात के पाबंद, इसलिए जिन गैर मुस्लिमों से हमारे ताल्लुकात हो हैं और उनके बारे में हमको ये इत्मीनान हो कि ये कुरान करीम की बेहुर्मती नहीं करेंगे, तो उनको कुरान करीम तो फतन देना चाहिए और उनसे गुजारिश करना चाहिए कि ये आसमानी किताब है और तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने उतारा है, आप इसको पढ़ो। ये बिल्कुल वाज़ह आयत है, जो इसको पढ़ेगा अल्लाह दिल की कैफियत और हालत बदल देता है। बहुत सारे लोगों ने कुरान करीम को पढ़ा, हल्का बगोश इस्लाम हो गए, और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि उन तक हम कुरान करीम पहुंचा नहीं सके। इसलिए ये किताब, इसकी आयतें अल्लाह ने इसलिए नाजिल फरमाई है कि हम कुफ्र की तारीकियों से निकल करके ईमान की रोशनी और हिदायत की रोशनी में आए, और बेशक अल्लाह ताला तुम पर बहुत मेहरबान और नरमी करने वाला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हो गया है तुमको कि तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और जमीन की विरास अल्लाह की है, यानी हमारे पास जो कुछ है हमें बरतने और इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, हम इसके मालिक नहीं है। अल्लाह ने हमें घर दिया रहने के लिए, माल दिया अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, कपड़ा दिया अपना जिस्म ढांपने के लिए, अल्लाह ने हमको खाना दिया पानी दिया पीने के लिए, लेकिन हम इसके मालिक नहीं है। अल्लाह ने हमको बरतने के लिए दिया है और तसर्रुफ करने का इख्तियार दिया है, और अल्लाह ने जहां खर्च करने का हुक्म दिया है हमें वहां खर्च करना है, और जहां खर्च करने से मना किया है हमें नहीं खर्च करना है। अगर हमने अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा तो हमें अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होना पड़ेगा। आगे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम में से जिन लोगों ने फतह से पहले माल खर्च किया और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो बाद में खर्च करने वाले और जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। वजह उसकी यह है कि फतेह मक्का हो या फतेह से मुराद सुलह हुदैबिया हो, मुफस्सिरीन के दोनों तरह के कौल, मुफस्सिरीन के दोनों तरह के कौल, फतेह मक्का से पहले और सुलह हुदैबिया से पहले मुसलमानों की तादाद भी कम थी और मुसलमानों के पास माल भी कम था। उस वक्त जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, गुर्बत में रह करके माल खर्च किया और कम तादाद में होने के बावजूद अल्लाह के दीन की हिफाजत और सियानत के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, उनका दर्जा बहुत बुलंद फरमाया, उलाइका आज़म दरजतन मिनल्लज़ीन अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू, उन लोगों के मुकाबले में जो फतेह मक्का के बाद अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे, फतेह मक्का के बाद जिहाद में शिरकत की, दोनों अजर व सवाब में बराबर नहीं हो सकते। वजह उसकी यह है कि सुलह हुदैबिया हो या फतेह मक्का हो, उससे पहले मुसलमानों की तादाद भी कम थी, मुसलमानों के पास माल भी कम था, जिन्होंने खर्च किया बड़े दिल गुर्दे की बात थी। और जब मक्का फतेह हो गया तो जाहिर बात है मुसलमानों की तादाद भी बढ़ गई और माल भी अल्लाह ने फरावानी से अता किया, जाहिर बात है फिर ज्यादा होने के बाद अगर लोगों ने खर्च किया तो वो उनके बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने जरूरत के वक्त खर्च किया था। उलाइका आज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू, ये दर्जे में बुलंद होंगे उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने फतेह मक्का या सुलह हुदैबिया के बाद खर्च किया और जिहाद किया। फरमाते हैं वकुल्लु वादल्लाहु हुस्ना, अल्लाह का सबसे अच्छा वादा है, यानी जो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा और अल्लाह के दीन की हिफाजत और सियानत के लिए जिहाद के लिए तैयार रहेगा और जिहाद का मौका आएगा तो जिहाद करेगा,
अल्लाह सबको जो है अजर अता करे। हदीस पाक में आता है कि जिस शख्स ने जिहाद नहीं किया और जिहाद के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया, अगर उसका इस हालत पर इंतकाल हो जाए तो वो मुनाफिक होकर के मरेगा। आज मुल्कों के जो हालात है, इन हालात के अंदर हमें इस्लाम ये नहीं कहता कि हम बिना वजह किसी की जान लें, बिना वजह किसी से झगड़ा करें, बिना वजह किसी को तकलीफ दें, इसकी इजाजत नहीं। लेकिन जब अल्लाह के दीन को लोग जाय करना चाहेंगे या लोग हम पर हमला करके हमारी जान लेना चाहे या हम पर हमला करें और हमारा माल छीनना चाहे, तो हमें दिफा का पूरा पूरा हक दिया गया। हाथ बांध करके गर्दन कटाना हमारे दीन में जायज नहीं। जितनी अपनी हैसियत है मुकाबला करने की, उतना मुकाबला हमें करना है। किसी पर जुल्म नहीं करना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करना है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। हालात के हालात में जिस तरह के मक्की और मदनी जिंदगी है, कि मक्की जिंदगी ऐसी थी कि मुसलमानों को सब्र और बर्दाश्त करने का हुक्म था और मदनी जिंदगी में मुकाबला करने का हुक्म था। आज हिंदुस्तान का मुसलमान एक अजीब सी कैफियत में कि हम इसे मक्की जिंदगी से जोड़ करके देखें या मदनी जिंदगी से जोड़ करके देखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़े और पढ़ने के बाद हम किसी नतीजे तक पहुंचे कि हम पर जो हालात है वो मक्की हाल जिंदगी जैसे हैं या हिजरत के बाद मदनी जिंदगी जैसे हैं, और फिर उसके मुताबिक हमें अपने बारे में फैसला करना होगा कि हमें क्या करना है। लेकिन अल्लाह का सबसे वादा है वकुल्लहु वादल्लाहु हुस्ना, हर एक से अल्लाह का वादा है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, जो अल्लाह के दीन की हिफाजत और सियानत के लिए जद्दोजहद और कोशिश करेगा, सबके लिए अल्लाह का वादा है। वल्लाहु बिमा तअमलूना खबीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह पूरी तरह बाखबर है। हमारा कोई अमल अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, सब अल्लाह के इल्म में। किसी ने पूछा है कि मेरा दिमाग सिर्फ रियाजी में अच्छा चलता है, साइंस में बिल्कुल नहीं चलता और साइंस से समझती भी नहीं, और मेरे वालदैन चाहते हैं कि मैं साइंस से पढ़ूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? वालदैन से कहो कि साइंस से समझती नहीं है, जो समझता है वो पढ़ो ताकि काम आए, वक्त बर्बाद ना हो। कुरान शरीफ 7 रिवायात से पढ़ा जाता है, तो हमारे नबी कौन सी रिवायत में पढ़ते थे? हम जो रिवायत में पढ़ते हैं इमाम हफ्स कूफी रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में, इस रिवायत में हुजूर नहीं पढ़ते, हुजूर इब्ने कसीर मक्की की रिवायत में पढ़ा करते। अगर हम नमाज में दोनों रकातों में वही सूरतें पढ़ें तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर फर्ज नमाज है और वित्र नमाज है तो उसमें एक ही सूरत दो रकात में पढ़ना मकरूह है। और अगर हम नफल नमाज पढ़ रहे हैं, यानी सुन्नत पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, तो अगर सूरतों की तकरार हो जाए तो करार नहीं है। क्या गेम खेलना मकरूह है या फिर गुनाह? वक्त की बर्बादी जो हम लोग गेम वगैरह खेल करके करते हैं, अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा अमल। कल कयामत के दिन अगर जन्नत में चले भी गए तो जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा है उस पर नदामत और शर्मिंदगी होगी, और आदमी सोचेगा काश वो वक्त भी मैं अल्लाह के जिक्र में गुजारता। कॉलेज में लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं, इस माहौल में कैसा रहना चाहिए? वहां पर प्रैक्टिकल वगैरह साथ में होता है, अपनी निगाहों की हिफाजत करना चाहिए, अपनी सोच को साफ रखना चाहिए। किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद देना कैसा है? नहीं देना चाहिए, ये मुबारकबादी देने वाला वक्त नहीं है, ये तो ये याद दिलाने वाला है कि तेरी जिंदगी का एक साल और कम हो गया। अगर अल्लाह ने तुझको 50 साल की उम्र दी उसमें से एक साल कम हो गया। गैर महरम को हदिया तोहफा देना कैसा है?
गैर महरम, गैर महरम से मुराद अगर मर्द है तो वो औरतें जिनसे निकाह हो सकता है वो गैर महरम, अगर औरत है तो जिन मर्दों से निकाह हो सकता है वो उनके लिए गैर महरम है। क्या जरूरत है हदिया देने? और अगर नीयत अच्छी है, जैसे हम बुजुर्गों को हदिया देते हैं अपने किसी भाई को जिस जो गैर महरम है, बहन को जो गैर महरम है, कोई हमारी नीयत में खराबी नहीं है, हम उसको हदिया तोहफा देना चाहें तो दे सकते, लेकिन अगर कुछ और सोच होगी तो फिर जायज़ नहीं। मोहब्बत में शादी करना कैसा है? जायज़ है, लेकिन नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसलिए कि जब तक निकाह नहीं होता वहाँ तक मामला सब ठीक ठाक रहता है। आदमी कहता है तेरे वास्ते आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, और शादी के बाद खर्चा भी नहीं देता ना। तो मोहब्बत की शादी उमूमन निभती नहीं है, इसलिए माँ बाप की मर्जी से निकाह करना चाहिए। अतिक्रमण पर जो खाने की चीजें बेची जाती है उसकी कमाई कैसी है और वो खाना खा सकते हैं या नहीं, खा भी सकते हैं बेच भी सकते हैं, दो अलग चीजें। एक है किसी की जमीन पर कब्जा करना, वो एक अलग चीज है। फिर उस जमीन पर कुछ काम करना, वो एक अलग चीज है। जैसे अतिक्रमण करके कारोबार कर रहे, अतिक्रमण करना गुनाह है, लेकिन हम अगर वहां पर कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो जायज है, उससे जो आमदनी होगी वो जायज होगी और वहां से हम माल खरीद के खा भी सकते हैं। तहज्जुद का पाबंद किस तरह बना जा सकता है, कोई अमल बताए। पक्का इरादा कर लो, रात में जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी आँख खुलेगी। हजरत सुलेमान की मौत कैसे वाकई हुई थी, कुरान शरीफ में क्या दिया हुआ है? जैसे सब की मौत होती है ऐसे हजरत सुलेमान की भी मौत हुई थी। मलकर मौत ने आकर के रूह कब्ज कर ली थी, लेकिन उनकी मौत का पता लोगों को नहीं चल रहा था। वजह उसकी ये थी कि वो एक लाठी का सहारा टेका लेकर के खड़े थे और मस्जिद अक्सा की तामीर करवा रहे थे, और मस्जिद अक्सा की तामीर जिनों से करवा रहे थे, और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का जिस्म जो है अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया है, अंबिया के जिस्म सड़ते गलते नहीं है। तो हजरत सुलेमान टेक लेकर के खड़े थे और फरिश्ते ने रूह कब्ज कर ली तो वैसे ही खड़े थे, और जिन लोग देख रहे थे कि हजरत सुलेमान खड़े हैं तो उन्होंने पूरी मस्जिद बना डाली। बाद में उनको पता चला कि वो जो लाठी के टेके से खड़े थे उसको दीमक ने खा लिया, तो वो लाठी टूटी तो हजरत सुलेमान गिर गए, तो मालूम पड़ा कि हजरत सुलेमान का इंतकाल हो गया। हमारे मदरसे में जुमेरात के दिन भी ईशा के बाद पढ़ाई लाजमी कर दी गई है, तो मैं मदरसे से भाग कर दरस कुरान में आया। मेरा ये अमल कैसा है? तुम पढ़ो, मेहनत करके पढ़ोगे तो कल तुम खुद दरस दे सकते हो, कुरान करीम खुद समझ सकते हो। जोड़ी में तरावी सुनाना, इसके नुकसान और फायदे। जोड़ी में कुरान करीम सुनाना जायज है, लेकिन होना ये चाहिए कि जो आज पढ़ा जाने वाला है पारा सवा पारा डेढ़ पारा पूरे का दौर होना चाहिए। अब होता क्या है कि जितना पढ़ना होता है सिर्फ उतने का ही दौर होता है, उतना ही याद करते, और जो नहीं पढ़ना होता है उसका दौर नहीं होता तो वो भूल जाता है याद, इसलिए पूरे का दौर होना चाहिए। क्या फर्ज नमाज में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, या कुरान में जो तरतीब दी हुई उस तरतीब से पढ़ना चाहिए? तरतीब से पढ़ना चाहिए फर्ज नमाजों। क्या आप कभी श्रीनगर में तरावी पढ़ा चुके हैं? हाँ, मैं एक साल पढ़ाया था। दाढ़ी पर स्ट्रीट क्रीम लगाना कैसा है? लगा सकते हैं, लेकिन बालों के ऊपर अगर पोटिशन होता, यानी बाल मोटे हो जाते और कोई केमिकल आपने इस्तेमाल किया जिसकी परत बाल के ऊपर रहती है, वो लगाना जायज नहीं। और अगर सिर्फ वो कलर है तो लगा सकते हैं।
शादी लगने के बाद ईदी लेना और देना कैसा है? माँ बाप देते, अपना काम नहीं है। बाद लोग शादी लग जाती बात भी करते हैं, जायज नहीं। अगर फजर की नमाज के वक्त आंख नहीं खुली तो सुबह 9-10 बजे उठकर सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़ना होगा या सुन्नत और फर्ज दोनों। चाश्त का वक्त होने से पहले अगर आप फजर की कजा नमाज पढ़ रहे हैं तो सुन्नत भी पढ़ेंगे, फर्ज भी पढ़ेंगे। और अगर चाश्त का वक्त आ गया, अब सिर्फ फर्ज पढ़ेंगे। खरगोश खाना कैसा है? जायज है। घर गिरवी से देना कैसा है? नाजायज है। अभी चलन ये है कि लोग कहते हैं कि मकान को किराया नहीं और पैसे को सूद नहीं, ब्याज नहीं, जायज नहीं। और जो माल गिरवी रखा गया है उसका इस्तेमाल करना जायज नहीं। बहुत से लोगों को देखा गया है कि खुतबे के दौरान खुतबा देने वाले को देखते रहते हैं, क्या ये सही है? खुतबा देने वाले को देखते रहना चाहिए, मुराकबे पे नहीं रहना चाहिए, इमाम को देखते रहना चाहिए। बहुत से लोग छोटी उंगली में मेहंदी लगाते हैं, क्या इस तरह वुजू होगा? मेहंदी लगाने से वुजू हो जाता है, लेकिन मेहंदी औरतों की जीनत है, मर्दों की जीनत नहीं है। तावीज पहनना कैसा है? तावीज के मुताबिक आता है कि अगर उसको आदमी ये समझ करके, तावीज दो तरह का होता है। एक तावीज वो होता है जिसमें कुरानी आयात होती हैं और अहादीस में जो दुआएं मंकूल होती हैं वो दुआएं होती हैं, वो तावीज पहनना जायज है, एक शर्त के साथ कि आदमी ये समझे कि शफा देने वाला कौन है, हिफाजत करने वाला कौन है, अल्लाह है। और तावीज पहनने से बेहतर ये है कि सुबह शाम आयतल कुर्सी, चारों कुल और जो हिफाजत की दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उसको पढ़ना चाहिए। एक आलिम के बयान में सुनने में आया कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल करने से पहले अपनी बेटी को जिंदा अपने हाथों से दफनाया था, क्या ये बात सही है? ये बात आज तक कहीं पढ़ने में नहीं आई, ना तारीख में ना आदीस में, इसलिए ये बात सही नहीं। किसी ऐसे शख्स से दोस्ती रख सकते हैं जो हम जिन से परस्ती में मुब्तला, नीज ऐसे शख्स अगर दावत वगैरह दे तो दावत खा सकते हैं नहीं? औरत का औरत से अपनी जरूरत पूरी करना ये मुसाहका कहलाता है, और मर्द का मर्द से अपनी जरूरत पूरी करना लिवातत कहलाता है, और दोनों गुनाह कबीरा है। और अगर अपने को मालूम है कि ऐसा ही आदमी करता है उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अंदेशा है कि आप भी उसमें मुब्तला हो जाएंगे। हुर्मत मुसाहरत कब साबित होती है? हुर्मत मुसाहरत आदमी अपनी सास को, यानी दामाद अपनी सास को, या सास अपने दामाद को, या बाप अपनी बेटी को, या बेटी अपने बाप को, इस तरह की जो महरम औरतें हैं वो अगर इस तरह हाथ लगाते हैं शहवत के साथ के बीच में कपड़ा नहीं है और जिस्म की गर्मी एक दूसरे को महसूस हो रही है तो हुर्मत मुसारत साबित हो जाएगी। और जब हुर्मत मुसारत साबित हो गई तो निकाह जायज नहीं रहेगा। अगर किसी ने अपनी साली या बुआ के साथ जिना किया है तो क्या हुक्म है? ये गुनाहे कबीरा है। और साली के साथ अगर जिना किया है तो जब तक साली को एक हैज ना आ जाए वहां तक बीवी से हम मिस्तरी नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब मेरा दिमाग नहीं चलता,
तबीयत सुस्त रहती है, हाफजा कमजोर है, कोई अमल बताएं। सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करना चाहिए और दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, हाफजा कवी होगा। घूमने फिरने जाएं और रास्ते में किसी का खेत या बाग वगैरह पड़े तो वहां से तोड़कर खा सकते हैं या नहीं? नहीं खा सकते, अपना थोड़ी है। मेरी बच्ची से 2 मरतबा कुरान शरीफ गिर गया, क्या करूं? जाहिर बात है वो बच्ची अगर नाबालिग है, ना समझ है, तो वो तो गुनहगार नहीं है। लेकिन हमें ये एहतियात करनी चाहिए कि कुरान करीम ऐसी जगह ना रखे जहां उसका हाथ पहुंचे, ऊंचाई पर रखे। और नीचे जब हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं रेहल वगैरह पर रखे तो नजर रखे, ऐसा ना हो कि बच्ची आकर के उसको उठा ले, गिरा दे। और इस तरह अगर कुछ हो जाए तो इत्मीनान के लिए जो अपने से हो सके वो उतना सबका देना चाहिए। मुझको 10 नंबर का चश्मा लगा था, मैंने ऑपरेशन करवाया जिसके बाद मेरी आंखें ठीक हो गई। मैं अभी हिफ्ज कर रहा हूँ तो क्या मेरी आंखों का नंबर दोबारा तो नहीं बढ़ेगा? कुरान शरीफ को देखोगे, देख करके पढ़ोगे तो निगाह और अच्छी और तेज होगी, नंबर नहीं लगेगा इंशाल्लाह। जैद के बाप के 2 भाई हैं और जैद के दादा का इंतकाल हो गया है और अभी तक विरासत तकसीम नहीं हुई, क्या जैद अपने वालिद से विरासत की तकसीम का इतराज कर सकता है? कर सकता है। मीरास जल्दी से जल्दी तकसीम करना चाहिए और अगर लोग चाहें कि अभी सब मिल करके चले और किसी का मुतालबा ना हो तो साथ में मिला करके भी कारोबार कर सकते। लेकिन अगर किसी ने मांगा कि मुझको मेरा हिस्सा दो तो देना पड़ेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नाम क्या था? हुजूर की सवारी कसवा है, अजबा है, और भी कई जानवर थे आपके जिनका नाम था। जिन्नात तो शयातीन को अल्लाह ने आग से बनाया, तो कयामत के दिन जो जिन्नात जहन्नमी होंगे तो उनको भी आग में डाला जाएगा, क्या वो आग उन पर असर करेगी? जिन्नात तो शयातीन अगर जहन्नम में जाएंगे तो उनको जमहरीर में रखा जाएगा, यानी जहन्नम 2 हिस्सा है, एक बहुत ठंडी है और एक आग है। तो जिन्नात तो शयातीन को ठंडक में रखा जाएगा और इंसान जिनको मिट्टी से बनाया गया उनको आग में डाला जाएगा। अगर कोई लड़का किसी लड़की को खुद शादी का पैगाम दे या शादी के लिए राजी कर ले तो उसका ऐसा करना कैसा है? अगर वो महरम नहीं है तो जायज है, लेकिन ये गैर सामाजिक काम है। किसी की भी बहन बेटी को उसके माँ बाप की मर्जी, उसके सरपरस्तों की मर्जी के बगैर पटा करके शादी करना गैर सामाजिक काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। महर फातमी और वो महर जो निकाह के वक्त दी जाती, दोनों एक है या अलग है? महर फातमी 1 किलो 633 ग्राम चांदी है, या इतनी चांदी दो या इतना पैसा दो जिसमें 1 किलो 633 ग्राम चांदी आए, वो महर फातमी। और जो हम लोग देते हैं ये तो बहुत थोड़ा महर देते। आपने पिछले हफ्ते कहा था कि चूहा मार सकते मगर बच्चे आमतौर से बहुत बेरहमी से मारते हैं। चूहे के दुम को पकड़कर रस्सी में बांधकर घुमाते हैं या गर्म पानी में डाल देते हैं, यह अमल कैसा है? किसी की भी जान लेने के लिए, यानी शरीयत ने जिन जगह सांप है, चील है, कौवा है, चूहा है, इसको मारने की शरीयत ने इजाज़त दी है, लेकिन तड़पा करके मारने की इजाज़त नहीं दी। जितनी जल्दी उनकी जान चली जाए उस तरीके से मारना चाहिए।
और गर्म पानी या आग का अजाब देना जायज नहीं है, आग का अजाब अल्लाह देगा। गुनाह के ख्यालात और पिछले गुनाह के ख्यालात और वसवसे आते हैं, आइंदा गुनाह करने के ख्यालात आए, पिछले गुनाह जो हो चुके हैं इनके ख्यालात आए, कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। औरतों को आवाज़ वाला जेवर पहनना कैसा है? जायज़ नहीं है। कुछ औरतें ऐसा जेवर पहनती हैं कि जब चलती हैं तो वो बचता है, जाहिर बात है बजेगा तो गैर मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। नमाज में ख्यालात आते हैं, कोई अमल बताइए, ये गैर इख्तियारी अमल है, इस पर मुआखज़ा तो नहीं है, लेकिन अगर इस तरह होता है और वसवसे आते हैं तो किसी एक नमाज के बाद 25 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ करके अपने सीने पर दम करना चाहिए। मेरी बीवी का पैर जल गया था पिछले साल रमजान में, तो पैर के बारे में बहुत लोग टोकते हैं कि डॉक्टर को दिखा, तो क्या मैं उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता हूँ? जायज है या नहीं? जायज है, आप करवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।